कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था मैंने, इस बॉक्स पैटर्न के बाहर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। ये जोन मैंने लगा के आपको बताया था एनालिसिस वीडियो में, और बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है, आप देख पा रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि इस जोन में जब तक बैंक निफ्टी रहेगी यहाँ पर साइडवेज रह सकती है, और जैसे ही इसे ब्रेक करेगी अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करेगी तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मूवमेंट का हमने बिल्कुल फ़ायदा उठाया दोस्तों, आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया रही। निफ्टी में आप देख पा रहे हैं, निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन ये बताई थी मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में, और बताया था ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, उसके बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया है। ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास रिट्रेसमेंट लेने आई हमने यहाँ पर एंट्री लिया, और उसके बाद जो है मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दे दिया, अच्छा खासा टारगेट हमने बुक किया है निफ्टी में भी। ये भी बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता तो अपसाइड अगर निफ्टी यहाँ पे निकलती है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन अपसाइड नहीं निकली, डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया तो हमें पुट साइड बैठना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं कल के लिए, नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो कल के लिए क्या लेवल होने चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही, उसके बाद जानेंगे ऑप्शन जनरेटर क्या कह रहा है, उसके बाद जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है कल के लिए, जिसकी मदद से हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से लेके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था आपको जो है मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो 40,600 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे कल के दिन, और बिल्कुल आज मार्केट ने 40,600 का लेवल हमें दिखाया है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल मेरी जो एनालिसिस थी वो सही निकली दोस्तों। चलिए देखते हैं कल के लिए क्या एनालिसिस है, क्या लेवल होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लेवल मार्क करके रखे हुए, आप देख पा रहे हैं 40,744 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, 40,405 का सपोर्ट है, 40,194 का यहाँ पे सपोर्ट बना है। बैंक निफ्टी समझ लीजिए गैप ओपन होकर डाउन साइड आती है कल के दिन, तो ये पहला सपोर्ट होगा हमारा, दूसरा सपोर्ट है 40,194 का, पहला सपोर्ट है 40,405 का। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड निकलती है तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस है 40,744 का। इस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है। अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर जाते हैं इस तरह से प्राइस एक्शन बना के, जैसे कि आज के दिन किया है, देखिए इस तरह से प्राइस एक्शन बना के अगर डाउन साइड आती है कल के दिन यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हम डाउन साइड अचीव करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या निकल के आ रहे हैं लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल बताती हूँ दोस्तों मैं आपको, जो आपको मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके दिला सकता है। यहाँ पे 18,759 का रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में, 18,681 का सपोर्ट है हमारे पास, 18,590 का भी दूसरा सपोर्ट है। निफ्टी समझ लीजिए गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आती है, ये पहला हमारा सपोर्ट रहेगा 18,681 का, दूसरा सपोर्ट है 18,590 का लेवल। अगर 18,590 भी इस तरह से प्राइस एक्शन बन के ब्रेक हो जाता है डाउन साइड तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन अपने होकर अपसाइड निकलती है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, पहला रेजिस्टेंस 18,681 का, दूसरा है 18,759 का लेवल। 759 को अपसाइड ब्रेक कर जाती है निफ्टी तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, पहला टारगेट हमारा 18,800 का होने वाला है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। अभी ऑप्शन चंडे तभी देखते हैं क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 18,688 पे, और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करें तो ओआई देखना पड़ेगा हमें, तब हमें यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। ऑप्शन चेन डेटा जो है दोस्तों लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो आपको लाइव मार्केट में भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है इसे। मैं वीडियो में इसीलिए आपको ऑप्शन चेन डेटा बताती हूँ ताकि आप लाइव मार्केट में भी इसे ऑब्जर्व करना सीख सके, किस तरह से मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपको लाइव मार्केट में इसे ऑब्जर्व करना है और आपको खुद से एनालिसिस करनी है, तभी आप ऑप्शन चेन डेटा की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन डेटा मैंने ओपन कर रखा है निफ्टी का, और निफ्टी में अगर हम अच्छा खासा ओआई देखें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे इस लेवल पे अच्छा खासा ओआई नज़र आ रहा है 18,650 पे, और एक अच्छा खासा ओआई अगर हम देखें तो 130 का यहाँ पे 18,600 पे है, और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 18,800 पे अच्छा खासा ओआई नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकते हैं, कल के दिन निफ्टी में 18,600 और 18,800 के बीच का जो लेवल है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं चार्ट में
कहाँ पे आ रहा है 18,800 और 18,600 का लेवल। अगर हम चार्ट में देखें, चार्ट में अगर हम 18,800 देखें तो ये लेवल निकल के आ रहा है, और 18,600 अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है मैंने वही 18,600 का लेवल है। तो यहाँ पे ही कल के दिन जो है निफ्टी सस्टेन कर सकती है, ये हमें कह रहा है ऑप्शन चेन डेटा। लेकिन ऑप्शन चेन डेटा जो है लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो आपको लाइव मार्केट में भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, 40,443 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। और अगर हम यहाँ पे मजबूत ओआई देखें तो मजबूत ओआई कहाँ पे बना हुआ है, बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया ओआई मुझे 40,400 पे नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो 40,500 पे भी अच्छा खासा ओआई बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है इस तरह से सस्टेन कर सकती है, क्योंकि ये जो 100 पॉइंट का जो ये लेवल है वो बहुत ही दिक्कत वाला लेवल लग रहा है मुझे ऑप्शन चेन डेटा की मदद से। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगला जो बढ़िया सा ओआई नज़र आ रहा है वो मुझे 40,000 के लेवल पे इस तरफ नज़र आ रहा है। और इस तरफ अगर हम देखें तो कुछ खास ओआई नहीं है, ये लेवल थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है जो है 40,700 का। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट कह रहा है कल के दिन जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेड लेना मुझे रिस्क लग रहा है। बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कुछ मूवमेंट नहीं दिखाती है तो हम अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी को। निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट दे सकती है कल के दिन, ऐसा ऑप्शन चेन डेटा की मदद से हमें जानने मिल रहा है। लेकिन ये जो ओआई है वो अपडेट होता रहता है लाइव मार्केट में, तो जैसे अपडेट होगा उसी तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। हो सकता है ये जो सारे ओपन इंटरेस्ट वाले हैं वो इस तरफ आ जाए, या फिर ये ओपन इंटरेस्ट वाले इस तरफ आ जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों लाइव मार्केट में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप ऑप्शन चेन डेटा को ऑब्जर्व करने का मैं सिखाती हूँ आपको वीडियो में, तो बिल्कुल सिखा दीजिए ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप खुद से फाइंड कर सको। चले देखते हैं कल के लिए टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, जिसकी मदद से हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं मार्केट से। एक ट्रेंड लाइन अच्छी खासी बन रही है बैंक निफ्टी में, आप देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। और ट्रेंड लाइन को जो है बैंक निफ्टी ने दो बार यहाँ पे टच किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है स्लो स्टडी जो है मार्केट अपसाइड ही निकलने की कोशिश कर रही है, आप देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन जो अपसाइड निकल रही है। और हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल हमें बैंक निफ्टी दिखा दे कल के दिन, कल नहीं एक्सपायरी शुरू हो रही है, प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको एक ही लॉट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी मोस्टली जो है मार्केट ट्रैप करती है। तो क्या होगा वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा ऑप्शन चेन डेटा को देख के। ट्रेंड लाइन को बहुत ही बढ़िया से फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी, यहाँ से एक अगर रिवर्सल आता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड बैठ सकते हैं, मैंने जो लेवल बताया है वही लेवल होने वाले हैं। चलिए निफ्टी में देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी भी एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने एक बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, हो सकता है निफ्टी कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के पास आए और यहाँ से फिर से एक रिवर्सल हमें दिखा दे। आप देख पा रहे हैं कितनी बार निफ्टी ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउन साइड आई ट्रेंड लाइन से हमें रिवर्सल दिखाया, फिर से आई और फिर से रिवर्सल दिखाया, फिर से नीचे आई और फिर से रिवर्सल दिखाया, अब फिर से नीचे आई है तो फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अगर रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है तो नीचे हमें डाउन साइड अच्छे खासे मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे, जो है 18,300 तक के लेवल। तो क्या होगा आगे वो आगे के एनालिसिस वीडियो में मैं बताती जाऊँगी आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ट्रैप से किस तरह से बचा जाए, रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होते रहते हैं और मार्केट जो है रिटेलर का कैपिटल लेके जाती है, तो आपको ट्रैप से बचना होता है। और रिवर्सल में ये जो ट्रेड होता है, रिवर्सल में फेक ब्रेकआउट के बाद जो रिवर्सल ट्रेड आता है उसमें आपको प्रॉफिट बनाना होता है दोस्तों। तो ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ज़रूर जाके देखिए, आपको मेरे प्लेलिस्ट के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
आपने इस वाले वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। उनको किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से प्रॉफिट कर सके और अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।